गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखिए दसवीं इंग्लिश का ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक। आपके दसवीं इंग्लिश पेपर में ग्रामर चैप्टर में बिल्कुल ही आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन टेक कैसे बनाना है। ठीक है, इसी को क्वेश्चन टेक या टेक क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे पहले आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर केस्कर इज एट होम इजंट ही। ठीक है बच्चों, मिस्टर केस्कर इज एट होम इजंट ही। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट रेन यस्टरडे डिडंट इट। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? ये जो सेंटेंस है मिस्टर केस्कर इज एट होम, ये तो समझ में आ रहा है कि जो मिस्टर केस्कर है वो घर में है, ऐसा एक सेंटेंस दिया रहेगा। इसलिए क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो ये जो सेंटेंस के जस्ट आगे क्या है आपको लिखना है, कॉमा। कॉमा के बाद क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन टेक बनाते हैं तो कॉमा के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है मिस्टर केस्कर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इज। तो जो इज है उसको हम क्या है यहाँ पे लिखेंगे, इज। और आपको ध्यान देना है, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है सकारात्मक वाक्य है, तो इसका जो क्वेश्चन टेक है नेगेटिव बनेगा। जैसे मिस्टर केस्कर इज एट होम, इसका क्वेश्चन टेक ये बना है, क्वेश्चन टेक क्या है इजंट ही, तो इज को उतारेंगे, इसको क्या बनाएंगे नेगेटिव इजेंट होगा। उसका क्या है आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट क्या है ये, मिस्टर केस्कर का क्या है आपको प्रोनाउन लिखना है ही। मिस्टर केस्कर क्या है, नाउन है ना, ये नाउन है, इसका क्या है आपको ही लिखना है, इजेंट ही। इसके देखिए सेकंड वाला, इट रेन यस्टरडे डिडंट इट, इसमें आप लोग ध्यान देंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी सेंटेंस क्या है आपका असर्टिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट रेन यस्टरडे, इसका क्वेश्चन टेक कैसे बना है, डिडंट इट, तो डिड क्यों आया, क्योंकि जब भी आपका जो सेंटेंस है इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको डू डज या डिड का यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल है तो क्या आएगा डिड, तो इसको क्या है आपको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि ये तो आपका असर्टिव में है सकारात्मक वाक्य है, इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो डिडंट आएगा, डिडंट इट, इट का इट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखें टेक क्वेश्चन में एक सहायक क्रिया या एक कर्ता होता है। ठीक है, अभी तक हम जो एग्जांपल देखे उसके हिसाब से जो सेंटेंस रहता है जिसमें आपको क्वेश्चन टेक बनाना है उसमें एक सहायक क्रिया रहता है और एक कर्ता रहता है। सहायक क्रिया कौन सा है, इसमें इज है ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें क्या है इसमें सहायक क्रिया नहीं है, जिसमें हम डिड लगाए हैं। आगे देखिए, यदि उस कथन में सहायक क्रिया ना हो तो, यदि उस कथन में सहायक क्रिया ना हो तो डू का प्रयोग किया जाता है, डू या डज या डिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ये आपने क्या सेंटेंस दिया है, इसको क्या है आपको कॉन्सेप्टिक बनाना है, इसका कॉन्सेप्टिक बनाना है क्या बनेगा, इसमें भी आपका सहायक क्रिया नहीं दिया है, क्या लिखना है आपको डू डज डिड का यूज करना है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, इसका आपको टेंस लिखना है, ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो क्या होगा डू आएगा इसमें, ये आपका बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है दे, तो देख लिए क्या आएगा डू आएगा, डू लिख दिए। इसका देखिए, ये जो सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव है यानी असर्टिव है सकारात्मक वाक्य है, इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, क्या आएगा डोंट, और फिर सब्जेक्ट को लिख देना है दे, डोंट दे। ठीक है, फिर क्वेश्चन टेक क्वेश्चन मार्क करिएगा। सेकंड वाला देखिए, ही पास्ड बीए लास्ट ईयर, ही पास्ड बीए लास्ट ईयर, इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है तो क्या बनेगा, आपको सेंटेंस को देखना है पास्ट लिखा है यानी कि पास्ट सिंपल है, पास्ट है पास्ट सिंपल है, इसका क्या होगा डिड आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं ना, तो क्या आएगा डिड। इसका देखिए, ये आपका असर्टिव में है सकारात्मक वाक्य है, इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा नेगेटिव, तो डिडंट ही। ठीक है बच्चों, इसका देखिए तीसरा वाला, ही इज आर राइट आफ्टर इलनेस, ही इज आर राइट आफ्टर इलनेस, इसमें सहायक क्रिया क्या है, पहचानिए सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया है आपका इज, तो हम इज को लिखेंगे इज। आपका सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस क्या है आपका असर्टिव है यानी नेगेटिव नहीं है आपका असर्टिव है,
क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा, जस्ट उल्टा होगा इसका, इजंट ही। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन टेक या टेक क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।